हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIIB के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल फॉर द क्वेश्चंस इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है AIIB के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें। द इंडिया बार एग्जामिनेशन इज़ एंट्री लेवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ये एक एंट्री लेवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। दिस इज़ एक्सेस वेदर योर पोजेस मिनिमम कॉम्पिटेंस एंड स्किल टू प्रोवाइड लीगल सर्विस इन प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। डिफ़िकल्टी लेवल विल नॉट ओन बी टू द एक्सटेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये आप लोगों का एक एंट्री लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। और ये आप लोगों का मतलब एक नॉलेज चेक करने के लिए एग्ज़ाम को लिया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों को लॉ की नॉलेज है, आप कितना मतलब जानते हो कानून के बारे में, क्या क्या लॉज आप जानते हो, कौन कौन से सेक्शंस आप लोगों को पता है। तो आपकी लॉ की नॉलेज चेक करने के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। और डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं मीडियम लेवल के, एंड आपके हाई लेवल के केस लॉज वगैरह, और मतलब दोनों तरीके से होता है ये आप लोगों का। मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली पास हो जाओगे, नहीं पढ़ा तो वो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी अपडेट आ सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है, नहीं, मीडियम होता है, मीडियम भी होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब घुमा फिरा के होते हैं, बट आपके होते वही बुक्स हैं जो आपने पढ़ा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने नोट्स प्रॉपर मतलब पढ़ने होंगे, जो भी बुक्स आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, उनमें से आप लोगों को थोरली रीड आउट करना होगा कि क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या जजमेंट्स एंड केस लॉज हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये जो वीडियो थी वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।